Josh. Congratulations. Thank you. Yes. Beautiful picture I just किया गया एक नाम का तो वो एल्बम है लेकिन एक हमें जिस तरह से वो दिखाया गया एक पिक्चर की तरह लग रहा है एक स्टोरी उसमें दिखाई गई है तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब सबसे पहले आपको बताया गया कि आयशा जी आपको इस तरह से एक म्यूजिक एल्बम में काम करना है क्या फीलिंग थी आपको क्या एक्साइटेड थी या हाँ क्योंकि पहले तो मुझे लवली सिंह का फ़ोन आया था और वो है ही बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड है और उनके साथ मैंने फिल्म की हुई है क्या लव स्टोरी है तो आई न्यू हिम सो आई सेड चलो सुनते हैं क्या बात है और फिर अमित मिश्रा का गाना है तो मैंने सुना गाना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेन था कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है क्योंकि नॉर्मली म्यूजिक वीडियो में लव स्टोरी रोमांस या ट्रेजेडी या जो भी है तो मुझे लगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इतने सारी औरतें चिल्ड्रन हु आर पुश्ड इनटू द सेक्स ट्रेड एवरी ईयर जो किडनैप होते हैं अबडक्ट होते हैं और उस पर बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये स्टोरी और ये एक अवेयरनेस एक मैसेज के साथ भी बन रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए क्योंकि अगर मैं टाइम के बाद भी अगर कुछ भी करूँ तो इट शुड हैव सम मीनिंग सम सब्सटेंस और जब सॉन्ग इज़ रेडी जैसे आपने कहा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बेसिकली लाइक अ 5 मिनट फिल्म यू नो नॉट लाइक 5 मिनट में पूरी फिल्म की तरह हमने बताया है पोस्टर्स भी आर लार्जर देन लाइफ और एक नया ट्रेंड जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं म्यूजिक वीडियोस के लिए आई रिमेंबर मैं पहले मेरी लाइफ में जो मेरा फर्स्ट चीज़ लॉन्च हुआ था एल्बम से हाँ वो एल्बम से ही था फाल्गुनी पाठक का एल्बम था मेरी चुनर उड़ उड़ जाए और फिर उसके बाद शेक इट डैडी डीजे अकील का नहीं नहीं वाला वीडियो था तो आई हैव ऑलवेज लव डूइंग वीडियोस और हर वीडियो जो मैंने पहले भी किया बहुत एक दूसरे से बहुत अलग था तो मुझे लगा एट दिस स्टेज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा जैसे मैंने कहा लवली तो फैमिली फ्रेंड है ही और आई नो ही इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर उनका विजन जो है सॉरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मूव्स विद द टाइम एंड यू नो विद एक्सपीरियंस ही इज़ ओनली गॉटन बेटर और हमारे सिनेमाटोग्राफर जो है डडली इज जस्ट डन सच अ फैंटास्टिक जॉब क्योंकि देख के एक्चुअली लगता है कि आप एक्शन मूवी देख रहे हैं सो वर्किंग विथ हिम वॉज ऑल्सो अ प्लेजर एंड यू नो द सेट एम्बियंस हमने साउथ बॉम्बे में शूट किया जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ यूजली आई डोंट गेट टू सी कितना खूबसूरत एक्चुअली है यू नो द एक्चुअल दैट ओल्ड बॉम्बे दैट लुक जो हमने दिया है शूट में सो इट वॉज ब्यूटिफुल जो शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बहुत स्मूथ रहा ईजी रहा और बहुत मजा आया ओके आयशा जी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में इस म्यूजिक एल्बम में बताया गया है जी एज एन एक्टर एज एन ह्यूमन बीइंग आप कितना मानती हैं कि हमारे देश में अभी भी इस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग है और इस तरह से बंद करने के लिए इस तरह का जो एल्बम इस तरह के अवेयरनेस की और भी जरूरत है और भी आपने दिखाया और भी लोगों को सामने आना चाहिए बिल्कुल आपके घर में भी लोग पॉलिटिशियन है बिल्कुल लोगों को सामने आना चाहिए आप जी, जी आपने सही कहा यू नो आई थिंक और हम जैसे जो कोई भी एक्टर है या सेलिब्रिटी है जो भी है उनके पास एक पावर रहता है कि आप एक वर्ड स्प्रेड करो या अवेयरनेस स्प्रेड करो या यू नो सिर्फ हम अगर ग्लैमरस चीज़ें या मज़ेदार चीज़ें वो तो करते रहते हैं यू नो बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई टॉपिक है इशू है जिसको हम इस उसके बारे में कुछ करके लोगों को अवेयरनेस दिखा सके तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट और मुझे लगा कि ये सुन के एक जितना भी हम इसके बारे में बात करेंगे इट विल बी लेस क्योंकि इतना ट्रैजिक डिप्रेसिंग और ऑलमोस्ट अनरियल सिचुएशन है कि थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रन हर साल अबडक्ट होते हैं किडनैप होते हैं और ऐसे ट्रेड में उनको धकेल दिया जाता है सेक्स ट्रेड में और ऑन रियली वर्स्ट थिंग्स तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते द लीस्ट वी कैन डू इज़ आई थिंक कि ऐसी चीज़ों का अवेयरनेस बढ़ाए इसके बारे में बात करें एंड यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एवरीबडी जिसका कुछ भी नाम हो थोड़ा वर्ड स्प्रेड करना चाहिए तो हम आगे भी आपको इस तरह से सोशल अवेयरनेस इस तरह से एल्बम इस तरह की फिल्में हम आपको देखेंगे बिल्कुल जितना भी मैं कर सकती हूँ यू नो मेरी तरफ से अगर कुछ भी आएगा मेरी तरफ जिसमें मुझे लगेगा कि इट विल मेक अ डिफरेंस टू सोसाइटी और यू नो आई कैन हेल्प इन एनी वे इट्स रियली इंपॉर्टेंट एज आई सेड कि यू नो हमें अगर थोड़ा सा भी पावर है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अब मैं आपके फैन की बात करूंगा क्योंकि आप थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री से थोड़ी सी दूरी जी फिर भी हमने देखा कि ये जिस तरह से एल्बम है या हम सोशल नेटवर्क की मीडिया पे देख ले इंस्टा पे देख ले जी जो भी फोटो पोस्ट करती हैं लोगों के ढेर सारे लाइक आते हैं कमेंट्स आते हैं ये एल्बम को लेके हमने देखा ढेर सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट जी जब अभी भी आप जब आपको लोग इस तरह से सोशल नेटवर्क की मीडिया पे इस तरह से लोग प्यार करते हैं
क्या फील करती हैं आशा टाकिया? मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ कि अभी भी इतने गैप के बाद या यू नो आई टेक माय टाइम एंड स्लोली मैं जो भी करना चाहती हूँ करती हूँ एंड लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और इतना अप्रिसिएशन कॉम्प्लीमेंट्स एनकरेजमेंट. जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे जिस दिन पोस्टर मैंने डाला उसी दिन से यू नो पीपल वर रियली गोइंग क्रेजी और हर तरफ पीपल वर लाइक ओ दिस इज़ अ न्यू फिल्म कम बैक फिल्म और उनका एक्साइटमेंट देख के मुझे बहुत ही एनकरेजमेंट और अच्छा लगा कि यू नो इतना प्यार मेरे लिए है. आई थिंक फॉर एनी बडी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि आप जितना भी काम कर लो यू नो दैट इज़ द मेन थिंग कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है क्योंकि इंडस्ट्री इज दे आर मेकिंग फिल्म्स लेकिन बाहर आप कभी जानते नहीं हैं कि लोग आपके बारे में क्या एक्चुअली सोचते हैं. लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और मीडिया की वजह से लोगों की वजह से हम फाइनली जान पाते हैं कि हाँ एक्चुअली इतना प्यार है और इतने अच्छे लोग हैं. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये वीडियो देखा या आपने उन्हें दिखाया? तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन था. जैसे मैंने कहा ये मैसेज भी इतना इम्पॉर्टेंट है और ये इतने लार्जर देन लाइफ तरीके से वीडियो बनाया है हमने कि हम लोग को एक्चुअली लगा कि ये एक ट्रेंड हम बनाएंगे कि म्यूज़िक वीडियो विल नॉट जस्ट बी कि यू नो एक लव स्टोरी है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये दुखी कहानी है या एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, यू नो दैट्स ऑल्सो नाइस, अब उसमें भी मज़ा आता है. लेकिन आई थॉट कि एक ऐसा कुछ बनाएंगे एंड लवली का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा था कि इवन शोइंग माय फैमिली आई वाज सो एक्साइटेड और सब ने कहा बहुत खूबसूरत है एंड एवरीवन्स बीन ट्वीटिंग अबाउट इट एंड इंस्टाग्रामिंग. तो हाँ अच्छा वो जो आपका छोटा बाबू है हाँ मिकाइल के बारे में मैं जानना चाहूँ जब वो आपको टीवी पे देखते हैं या इस एल्बम के जरिए जब उन्होंने आपको टीवी देखा या आपकी जो पुरानी सुपरहिट फिल्में देखी होंगी मिकाइल जो है वो अभी 3.5 ईयर्स का हो गया है तो वो तो ज़्यादा फिल्म नहीं देखता है. लेकिन मेरे ये सॉन्ग को देखने के बाद बोल रहा वो शूटिंग एट यू वो आपको कौन गोली मार रहा है. वो टेंशन में आ गया था बेचारा. उसको लगा कि ये रियल कुछ हो रहा है मेरी मॉम के साथ तो वो ज़रा डर सा गया एक सेकंड के लिए. फिर मैंने समझाया उसको कि ये मैं एक्टर हूँ और यू नो ये ऐसा सिर्फ कैमरे के सामने हो रहा है रियल नहीं है. लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन में आ गया था वीडियो को देख के. तो चलिए अब क्योंकि हम ऐसा माने कि शादी के बाद क्योंकि आपके प्रोजेक्ट हमने देखा जो बहुत ही कम आपने या हम ऐसा माने कि अब आप सेलेक्टिव हो गई या कुछ मतलब गिने चुने प्रोजेक्ट करेंगे जैसे इस तरह से आपने ये सेलेक्ट करके किया जिंदगी ये अवेयरनेस तो हम ऐसा माने कि अब इस तरह से अब आप सेलेक्ट करेंगी या क्या? हाँ मेरे लिए अभी जित मैंने गैप लिया था ऑब्वियसली मेरा प्रायोरिटी मिकाइल था और हमेशा रहेगा. तो अभी मेरे पास और टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें डेप्थ है सब्सटेंस है जो देख के जैसा रिएक्शन मुझे मिला है वैसे ही यू नो होना चाहिए और लोग याद रखे वो प्रोजेक्ट को जितना भी टाइम पास हो. जैसे मैंने जो डोर फिल्म की थी वो अभी भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे आई लव योर फिल्म डोर या वांटेड या सोचा ना था जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी इनफैक्ट. तो यू नो चीज़ें जो जिसके अंदर बहुत सब्सटेंस हो और यू नो जो आपको कुछ फील कराए और ऑडियंस के साथ रहे तो ऑब्वियसली आई विल बी चूजी आई विल बी पिकी क्योंकि मेरे लाइफ में बिजनेस भी मैं बहुत कर रही हूँ तो उसके साथ बैलेंस करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. बिजनेस की बात करेंगे हम लेकिन उससे पहले वांटेड की आपने याद दिलाई क्योंकि वो फिल्म जब भी हम देखते हैं तो हम सभी की बहुत ही खास ये वांटेड फिल्म का. तो अगर मैं पूछूं कि वांटेड जैसी फिल्म या सलमान खान के साथ में क्योंकि अब आपने इसे हम अब आप फिर से आप काम करनी तो सलमान खान के साथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट या आपकी उनसे बातें होती कि वांटेड जैसी फिल्म यू नो मेरे पूरे करियर मैंने ऐसे प्लान नहीं किया कभी भी पहले से. तो मेरे लिए ऐसा ही है कि जो मेरी जो मुझे अगर कोई प्रोजेक्ट मेरी तरफ आता है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मैं मेरी जर्नी में मेरी लाइफ की जर्नी में मैं इसे इन्वॉल्व करना चाहती हूँ और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए और पब्लिक के लिए जो ये मूवी देखती है तभी मैं चाहूँगी वो प्रोजेक्ट को चूज़ करना. तो मेरे लिए सिलेक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ ह्यूमन बींग मैं बहुत पिकी हूँ कि किस सेट पे मैं हूँ कौन से लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए मेरे लिए एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ट्रांसलेट्स इस वजह से लोगों को भी ज्यादा पसंद आता है. तो हम जो आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा वो मतलब फिल्म एल्बम या क्या कुछ प्लान कर रही हैं आप? जी मेरी एक फिल्म अभी बन रही है फिल्म का नाम है बोरीवली का ब्रूसली आशुतोष वरंग. अरे वाह ओके तो आपको देखना ही पड़ेगा.
तो अशुत और वरंग जो है डायरेक्टर है, एड फिल्म डायरेक्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बन रही है, बहुत ही क्यूट फिल्म फिल्म है. और मेरे और बच्चे के बीच में एक कहानी है, काफ़ी कॉमेडी है, कुंगफू है, तो मज़ेदार फिल्म है. और थोड़ा सा अभी शूट बाकी है, मे बी 15-20 days, तो देखते हैं. मतलब कॉमेडी और कुंग फू आपने बताया, तो एक्शन भी होगा ऐसा? हाँ, एक्शन बट इन अ कॉमिक वे, जो यू नो आई फील कि फैमिली फिल्म्स जहाँ बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा भी बेटा है, मैं सोचती हूँ वो भी मेरी एक फिल्म देख के ऐसा लगे कि उसके लिए मैंने एक फिल्म बनाया, तो दिस इज रियली एप्ट फॉर किड्स एज वेल. तो अब तक जितना भी पार्ट आपने शूट किया कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, और ये कुंग फू? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब भी मैंने स्क्रिप्ट सुना मुझे लगा ये बहुत ही सही फिल्म रहेगा टू कम बैक विद, जहाँ यू नो फैमिली ऑडियंसेस और बच्चे और यू नो सभी लोग जा सकते हैं, दे कैन रियली एन्जॉय इट यू नो. और फिर बार बार भी आप अगर टीवी पर देखो यू रियली एन्जॉय इट, सो इट शुड बी टाइमलेस, क्लासिक, फन. और फिल्म ऐसी है जिसमें बच्चे भी है, जिसमें कुंगफू जैसे अभी मैंने बताया, तो थोड़ा एक्शन है बहुत फनी तरीके से. और मेरा फेवरेट जॉनरा टू एक्ट इज एक्चुअली कॉमेडी, सो ये फिल्म में बहुत कॉमेडी है, तो दैट वाज समथिंग आई वाज अट्रैक्टेड टू. कब तक आ जाएगी ये सिनेमा घर में लोगों के बीच में? अभी तक डेट हमने फाइनल हम नहीं रिवील कर रहे क्योंकि फाइनलाइज नहीं है, बट सो फार इट्स बीन रियली गुड, सो लुकिंग फॉर. चलिए आखिरी और एक दो सवाल, क्योंकि बिजनेस की बात की आपने, जी. हमने जो हमने पढ़ा और हमने बताया गया कि कुछ होटल लॉन्च करने वाली हैं, जी. इज इट ट्रू, कितनी सच्चाई है या? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड रेस्टोरेंटर होटेलियर है, तो उसके थ्रू मैंने काफी कुछ सीखा है इतने सालों में, एक रेस्टोरेंट